ऑलराइट गाइस, इस बाइसाइकिल हेलमेट को हम रख के मून नाइट में जो कंग शो आता है ना वो गार्ड, उसका हम स्कल बनाएंगे। हम इसे पहन के भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस हेलमेट को हम इसे पहन के इसके ऊपर हम कंग शो का स्कल हम बनाएंगे। ऑलराइट, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम एक ड्राइंग बनाएंगे, जैसे कि हेलमेट का शेप है ना उसके बराबर हम इसका ड्राइंग बनाएंगे। अब देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा साइड व्यू पे बना रहा हूँ ड्राइंग, क्योंकि हमको इस साइड व्यू पे ही हम इस ड्राइंग को बनाएंगे, क्योंकि हम इसको वर्टिकल से रखना है हेलमेट के ऊपर। इसको लगाने के लिए मैं हार्ड ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का एक कार्डबोर्ड को यूज़ करके हम इसे स्टेबल कर देंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम इसे ट्रिम कर लेंगे, जैसे कि उसका शेप है ना कांगशू का वैसा हम इसको ट्रिम कर लेंगे। और इसे अच्छे से इसे चिपका देने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बेसिक शेप ऐसा ही रहेगा। इसके ऊपर हम ग्लू और पेपर को मिक्स करके हम इसको लेयर बनाएंगे। ग्लू बनाने के लिए मैं पानी पे थोड़ा सा मैदा का आटा डाल के इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑलराइट, अब हम इसे पेपर एंड ग्लू मिक्स करके इसके ऊपर हम मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने ग्लू रेडी कर चुका है, अब हम इसे पेपर से मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने न्यूज़पेपर को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हमारा ग्लू भी रेडी है और हमारा मॉडल जैसे कि हमने कार्डबोर्ड पे बनाया था वो भी रेडी है। इसके ऊपर हम लेयर बाय लेयर पेपर ऐड करते ही जाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो पे देख रहे हैं कि हमने बेसिक शेप को ऐड किया, उसके बाद में थोड़ा सा डिटेलिंग हम ऐड करते ही जाएंगे, आखिर पे अच्छा फाइन डिटेल हम देंगे। और एक बात के ये ड्राई हो गया तो ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे कि आप देखते हैं। मैंने क्या किया था, मैं हेलमेट को मैंने निकाल दिया था मॉडल से, क्योंकि वो हेलमेट थोड़ा सा हाइट से था इसलिए मैंने निकाल दिया। अब हम इसे लगाएंगे थोड़ा सा अंदर, क्योंकि हमारे हेड के अंदर फिट होने के लिए मैंने इस हेलमेट को निकाल के अंदर लगाने वाला हूँ, इसलिए हम इसे ट्रिम कर लेंगे, जैसे कि आई कैविटी को सब हमने ट्रिम कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, अब देख सकते हैं कि हेलमेट काट के हम इसके अंदर फिट कर दिया है, ऐसे ही पेपर एंड ग्लू मिक्स करके हम इसके अंदर फिट कर दिया है। देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक शेप मिल रहा है हमको, और पेपर एंड ग्लू भी हार्ड हो चुका है, आप साउंड सुन सकते हैं। इसे ही सिमिलर टेक्निक से मैं इस स्टिक को भी बनाया हूँ। अब देख सकते हैं कि इस स्टिक के ऊपर मैं पेपर एंड ग्लू मिक्स करके इसके ऊपर मैं बनाया हूँ। ऑलराइट, अब हम इसे पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसके ऊपर व्हाइट कलर लेयर अप्लाई करेंगे। मैंने एक्रेलिक पेंट ही यूज़ करने का था, लेकिन मेरे पास एक्रेलिक पेंट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने घर को यूज़ करेंगे ना डिस्टम्बर पेंट, उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर हम व्हाइट कलर अप्लाई करके उसके बाद हम थोड़ा सा वोल्ड इफेक्ट देने के लिए इसके ऊपर मैंने ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स करके मैं थोड़ा सा पानी मिला के इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इससे जाके हमारा थोड़ा सा वोल्ड इफेक्ट मिलेगा। पेंटिंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, एन्जॉय द फाइनल आउट।